तो मैं इंडिया से हूँ और मैंने पाकिस्तान से ये डॉग परचेज किए हैं। एक ये मैक्स है, एक मैग्रो है, वो वाइट, वो मेरा डॉग है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे वहाँ से इनको लिया है, मुझे क्या प्रॉब्लम को फेस किया है या नहीं किया है, जो भी है। ये मैंने पाकिस्तान से खुरम भाई से, खुरम सालर से इनको मैंने परचेज किया है। ये मैक्स है हमारी। मैं काफ़ी टाइम से डॉग सर्च कर रहा था, मेरा कोई वैसे प्लान था नहीं, वो एकदम से मेरा प्लान बना है इनका। सबसे पहले मैंने कुरुम भाई से फ़ोन करके मैंने पूछा कि भाई हमें जैसे आपके डॉग हैं वैसे डॉग हमें चाहिए, जिस लेवल के आपके पास डॉग है जैसे डॉग हमें आपसे चाहिए। तो उन्होंने हमें ये पहले बोला नहीं कि मैं अपने डॉग सेल कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे ऐसे ही बातें बढ़ी, उन्होंने बोला कि आप बारबरा से ले लो, एना से ले लो। तो फिर मैंने कहा कि खुरम भाई, फिर नहीं, उन्होंने कहा मुझे कि मैं अपने डॉग सेल कर रहा हूँ, अगर आप देख लो आपको ये ठीक लगे तो। मैंने कहा कि ठीक है खुरम भाई, आप मुझे भेजो इनकी वीडियो। तो उन्होंने मेरे को डाली तो मुझे डॉग बहुत पसंद आई। तो हमारी धीरे धीरे फिर आगे बातें बढ़ी, तो फिर मैंने डन कर दिया। मैंने सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इसका मार्लबोरो का ही डन किया था, मैंने मैक्स का डन नहीं किया था। तो फिर हमने इसकी एडवांस बुकिंग डाल दी उनके पास में, और फिर हमने साथ में चलो यार मैक्स को भी ले लेते हैं, मैक्स बहुत सुंदर डॉग है, फेमस डॉग है, यार मैक्स को भी ले लेते हैं। फिर हमने दोनों को ही मतलब डन कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम फेस हमें करनी पड़ी कार्गो की वजह से, क्योंकि कभी इंडिया डॉग आया नहीं है आज तक, पाकिस्तान से जर्मन शेफर्ड नहीं आया। खुरम भाई पहले बंदे हैं जिन्होंने डॉग इंडिया में भेजा है जर्मन शेफर्ड, और मैं पहला बंदा हूँ मैं भी जिसने इंडिया में रिसीव किया है, वो भी इस लेवल के डॉग। बस हमें लगभग लग गया सवा महीने के आसपास में, सवा महीना बाद हमारे डॉग इंडिया में आए हैं, वो कार्गो की वजह से, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था उनको भी, उनकी गलती नहीं है, उनको भी आइडिया नहीं था कि यार कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे किस तरह से। तो वो चीज़ें बड़ी मुश्किल रही, कभी कोई कह रहा है कि यार चले जाएंगे, कभी कह रहा है नहीं जाएंगे, तो उन मुश्किलों का सामना हम लोगों को करना पड़ा था। और अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, बताने का मकसद मेरा बस यही है कि हमें वहाँ से डॉग मंगाने चाहिए या नहीं मंगाने चाहिए, भरोसा करें या नहीं करें। तो बस चक्कर एक यही है कि यार देखो, मेरे को तो डर था नहीं, सच बताऊँ मैं अपने दिल से अगर मैं बताऊँ तो मेरे को बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि मैं उनको फॉलो करता था काफ़ी लंबे टाइम से, और जिस तरह की वो बातें करते थे, जिस तरह की वो, यार मैं तो उनकी बातों का फ़ैन था, मेरे को बस उन पे इतना ट्रस्ट था कि सब ने बोला यार तू पाकिस्तान पैसे कर रहा है यार, मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यार यार देखी जाएगी, यार यार मेरे को इस बंदे पे ट्रस्ट है, यार कुछ भी हो मरेंगे मर जाएंगे यार, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये बंदा ऐसा करेगा भाई, यार जेन्युइन बंदा है यार। मेरे को पहली बार ऐसा बंदा टकराया है कि मेरे को खुद पर खुद मतलब अपने आप ही इस पर इतना भरोसा हो गया इस बंदे पर कि यार बस मैंने बीच में खुरम भाई, यार मैंने जैसा भरोसा उनके ऊपर किया, उन्होंने उसको इतनी अच्छी तरीके से निभाया है, जिस लेवल के ये डॉग है यार कोई नहीं दे सकता यार। यार उनकी मजबूरियां भी मैं नहीं कहूँगा, वो उनकी जाती लाइफ है, उनको किस चीज़ का सामना करना पड़ रहा था,
उन्होंने सेल की, पर ये डॉग ऐसी जगह पे आए हैं कि यार मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ ना दूँ, मैं खाना खाऊँ ना खाऊँ, पर ये डॉग हमेशा एक राजा की ज़िंदगी जिएंगे, किंग की ज़िंदगी जिएंगे। मैक्स, और जिस लेवल के डॉग ये है, ये वीडियो में वैसे दिखाई नहीं देते थे जब मेरे पास वहाँ से वीडियो आती थी, जब मैंने इनको लाइव इनको देखा है। मैक्स, जब मैंने इनको लाइव देखा है तो मैं सच कहूँ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई यार। इंडिया में इस लेवल का डॉग नहीं है, इंडिया में इस लेवल के डॉग नहीं है किसी के भी पास यार। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के डॉग को नीचा दिखा रहा हूँ, मैं वैसा बंदा नहीं हूँ मैं यार, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, पर ये सच्चाई है और ये आप खुद भी देख सकते हो यार। मैं कुरम भाई का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और उनको उनका एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूँगा, जिस तरह के उन्होंने मेरे को डॉग दिया। इस लेवल के इतनी डार्कनेस है इसकी, इसकी फेस डार्क है, पंच फेस है, इतने सुंदर इसके कान है, कोट इतना लंबा है इसका, और ये तो बिल्कुल यार हाथी है यार, ये बहुत बड़े साइज का डॉग है यार। पता नहीं वीडियो में आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बहुत हैवी हेड है इसका, बहुत हैवी। और मेरा वाइट जर्मनी इसके सामने बच्चा दिख रहा है, वो बहुत सुंदर डॉग है वाइट भी, लेकिन इसके सामने बच्चा दिख रहा है। कुरम भाई, जो आपने मुझे चीज़ दी है मैं मरते दम तक नहीं भूलूँगा, और जिस तरह से आप रखते थे कुरम भाई, इनको कोई कमी नहीं आएगी। बस मैं ज़िंदगी में भी मैंने सोचा है मैं कभी भी अगर कोई डॉग लेता हूँ तो बिना कुरम भाई की सलाह के मैं कभी कोई डॉग नहीं लूँगा। बस मेरे को एक बंदा टकराया है, जेन्युइन टकराया है। बस मैं कुरम भाई बार बार कहता हूँ दिल से धन्यवाद आपका। मैक्स, मार लो। पहले मैं यहाँ, ये मेरा सेटअप है, एक रूम वो है इनका ऊपर छत पे, एक ये है यहाँ पे अंदर रहते थे, पर अब गर्मी ज़्यादा हो गई है तो मैं इनको यहाँ पे रखता नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, ये नीचे ही रहते हैं, नीचे दो एसी लगे हुए हैं इनके लिए।